प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन है और देश सहित विदेशों से भी अनेक शुभकामनाएं संदेश आ रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सहित पक्ष विपक्ष के नेताओं ने उन्हें बधाई संदेश भेजे हैं। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर बेरोजगारी दिवस मना रही है। राजधानी भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर युवा कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष कुणाल चौधरी के नेतृत्व में स्टॉल लगाकर पकौड़े तले और बेरोजगारी दिवस मनाया। इस बीच चर्चा करते हुए कांग्रेसी विधायक और प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष कुणाल चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, मगर 14 करोड़ लोगों से रोजगार छीन लिया है। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ऐसे थे जिनका जन्म बाल दिवस के रूप में मनाया जाता था, मगर देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म दिवस कांग्रेस बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रही है। में आने वाले प्रधानमंत्री आज 2-6 करोड़ रोजगार जो देना चाहिए था वो तो दिए नहीं, पर 14 करोड़ लोगों के रोजगार को खत्म करने का जो काम इस देश के प्रधानमंत्री ने किया है। पहले प्रधानमंत्री का जन्मदिन कहीं ना कहीं बाल दिवस के रूप में बनता था और आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन बेरोजगार दिवस के रूप में बन रहा है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी खूबी है कि ये नौजवानों का देश है और सबसे बड़ी चुनौती है कि ये बेरोजगारों का देश हो चुका है। आज उस चुनौती पे काम की बात करने की जाए, कभी वो मन की बात करते हैं, कभी इधर उधर की बात करते हैं, पर इस देश के नौजवान पे बेरोजगारी की बात, देश के नौजवान से बेरोजगारी को कैसे दूर करी जाए इसके ऊपर बात नहीं करके इस देश के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं। हमारा आग्रह है कि इस देश के नौजवानों की बात सुने, उन्हें रोजगार दें और रोजगार देके इस देश के नौजवानों को भरें, नहीं तो कि आपके जन्मदिन को ऐसे ही बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया जाएगा और जनता आपको घर करने का काम करेगी। लेकिन बीजेपी तो सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है।